हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तीन नाम से जाना जाता है बाबूजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है बाबूजी। क्या होता है जी? असाधारण वर्तमान काल या असामान्य वर्तमान काल। अब आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम। तो पहचानने का नियम, दो ढंग से पहचानने का नियम होता है बाबूजी। पहला होता है परंपरागत नियमों के अनुसार, यानी हमारे दादा दादाओं के जो कथन के अनुसार, समझ गए। दूसरा होता है आधुनिक ग्रामेटिसनों के अनुसार, परंपरागत नियमों के अनुसार जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, रहे है, रहा है, रही है, रहे, तो समझ जाना चाहिए यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ गए ना? अब आइए, जैसे मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या कर रहे हैं जी? अंग्रेजी पढ़ा रहा, तो रहा हूँ, देख रहे हैं, हैं वाक्य के अंत में रहा है, रही है ना, क्रिया के अंत में है, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसका अंग्रेजी होता है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, समझ गए। अब आइए आधुनिक ग्रामेटिसनों के अनुसार, आधुनिक ग्रामेटिसनों के अनुसार जिस हिंदी वाक्य में कर्ता द्वारा प्रारंभिक क्रिया का जारी होने का बोध हो, वैसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो मेरी क्रिया है जी, जब से मैं खड़ा हूँ तब से जारी है ना, समझे। मैं खड़ा हूँ तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई एम स्टैंडिंग, है ना, मैं खड़ा हूँ, समझे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम लोग पंखे के नीचे बैठे हो, क्या हो जाएगा? यू आर सिटिंग अंडर द फैन, समझ गए ना। तीसरा देखिए, बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, क्या हो जाएगा? एक कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, या दूसरे शब्द दूसरे सेंटेंस में देखें, इसी का दो होता है इसके अंतर्गत में, ये या द का प्रयोग जाति बोध कराने के लिए आर्टिकल के रूप में प्रयोग किया जाता है, समझ गए ना। अब द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, इस तरह से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत माना जाता है, समझ गए ना। अब आइए, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को बनाएंगे कैसे, इसके बारे में जानिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, बनाने का नियम है, रूल है बाबू। क्या है इसका स्ट्रक्चर? यानी सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, समझे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और आर का प्रयोग बी यू दे पुलरल नीम के साथ में क्या होता है जी? आर का प्रयोग होता है, समझ गए ना। और इसका प्रयोग ही सी इट सिंगल नीम के साथ ही, एक नाम के साथ में प्रयोग होता है, समझ गए, समझे। और उसके साथ में रहा रही रहता तो भी फोर लग जाता है, भी फोर मतलब होता है भर के साथ आई एन जी का, समझ गए। अब देखिए, समझ गए। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के अंदर सकारात्मक वाक्य के तहत देखिए, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, क्या होगा? राम is
राम राम कह रहा है, राम इज सिटी में। अब देखिए राम के आगे ये सब्जेक्ट हो गया, बुझे ना बाबू, राम सब्जेक्ट हो गया। अब है क्या हो गया जी, एक्सिलरी वर्ब हो गया, तरीके यूज हो गया है ना। देखिए ये भी हो गया एक्सिलरी वर्ब, समझिए इसका प्रयोग होता है। अब खा रहा है भर्ब के साथ रहा है रही है, उसमें भी फोर का प्रयोग होता है जो भर्ब के साथ आई एन जी, मेन भर्ब के साथ में आई एन जी का प्रयोग होता है। ईट क्या होगा, मेन भर्ब वन जी, इसमें आई एन जी लग गया, हो गया ना, क्या हो गया जी, ईटिंग, समझे। अब ये क्या है जी, ये आर्टिकल हो गया और ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गया। तो सब्जेक्ट प्लस ए भी प्लस भी फोर प्लस ए प्लस अर्जेक्ट ओ ऑब्जेक्ट, अगर इस तरह का वाक्य बने ना, अरे राम आम खा रहा है तो राम इज ईटिंग ए मैंगो, समझे। आप देखिए मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या हो जाएगा जी, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, समझिए। आप देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया जी बाबू, हो गया ना, और एम क्या हो गया, हूँ के बाद प्रयोग हो गया है, और रहा पढ़ा रहा हूँ के साथ में भर्ब के साथ में आई जी के भी फोर का प्रयोग हो गया। हमें अब देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, एम क्या हो गया जी, ए भी हो गया एक्सिलरी प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस क्या हो गया जी, भी फोर क्या हो गया, आई एन जी लग गया है, और यू क्या हो गया जी, ऑब्जेक्ट हो गया, समझिए ऑलरेडी इतना हो गया ऑब्जेक्ट है ना, प्लस वो डब्ल्यू सब, ये उसको कह सकते हैं प्लस वी फॉर प्लस और सब कर सकते हैं, समझ गए ना। आप रीता और गीता गीत गा रही है, अब देखिए रीता और गीता गीत गा रही है, दो नाम है, इसमें क्या हुआ, आर का प्रयोग हो जाएगा, रीता एंड गीता आर सिंगिंग सिंगिंग नकारात्मक, नकारात्मक मतलब होता है जिसमें न लगा रहे या नहीं लगा रहे वाक्य में, समझे। तो अब मैं आज में फिर आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत में निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, उसको देख लीजिए। मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, क्या जगह, आई एम नॉट taking a tea, I am not taking a tea, my child नहीं पी रहा, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे,
हो गया ना, अब वह स्कूल नहीं जा रहा है। क्या जाएगा? He is not going to school. He is not going to school. नेगेटिव सेंटेंस में हो गया। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है जी? वर्ब पहले आ जाता है, एक्सिलरी वर्ब इसमें पहले चला आएगा, समझ गए ना? तो सर इसमें देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या जी। सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है जी? एक्सिलरी वर्ब, समझ गए? पहले क्या लिखेंगे जी? एक्सिलरी वर्ब, एम ई आर का पहले आगे हम लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? वी फॉर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे जी? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जी क्वेश्चन मार्क्स, समझ गए? क्या क्या मैं तुम लोगों को पढ़ा, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्या हो जाएगा जी? am I teaching you? am I teaching you? क्या सुनील सोहन को पीट रहा है? क्या सुनील सोहन को पीट रहा है? तो क्या होगा? क्या सुनील सोहन को पीट रहा है? क्या हो जाएगा जी? इस क्या सुनील सोहन को पीट रहा है? क्या हो जाएगा जी? इस